अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। दोस्तों, परसों के दिन रमज़ान का पहला रोज़ा रखने वाला है और अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं आदिल से नादिल से फारूकी रहमतुल्लाह के आस्थाने पर। और दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की ज़ियारत कराएँगे और यहाँ का नज़ारा कराएँगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आदिल से नादिल से फारूकी रहमतुल्लाह के बाहर जो है वो कब्रिस्तान, हमने जैसा आपको बताया था कि इधर पूरे जंगल में कब्रिस्तान है और पुरानी कब्रें मौजूद है दोस्तों, तो हम आपको इधर का नज़ारा कराते हैं, उसके बाद आदिल से फारूकी रहमतुल्लाह का नज़ारा कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इधर आइए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो बहुत सारी मज़ारे पुराने टाइम की बनी हुई है, पुराने टाइम की मज़ारे बहुत सारी बनी हुई है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है और बहुत ख़राब हालत में है दोस्तों मज़ारे यहाँ की। देख सकते हो दोस्तों आप, ये कब्रिस्तान है और ये पूरी यहाँ पे मज़ारे बने हुए दोस्तों पुरानी टाइम की। यहाँ पर दोस्तों ये छोटी छोटी कब्रें जो आपको जो नज़र आ रही है, ये बच्चों की कब्रें हैं दोस्तों पुराने टाइम की, और काफ़ी ज़्यादा कब्रें यहाँ पर ज़मीन में दब चुकी है। और इधर के साइड हमारे आदिल शाह अपने शहनशाह शाहबाज कलंदर सरकार का आस्थाना है, जिसका शूट हम कल पे रखते हैं। अभी हम आपको बताते हैं आदिल से नादिल से फारूकी रहमतुल्लाह का आस्थाना। दोस्तों, जब तक हम आपको अंदर की ज़ियारत करवा रहे हैं, तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए, ये इसका एंट्री गेट है दोस्तों, आप देख सकते हो ये दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थी, अभी बाद में उसको ये गवर्नमेंट के हाथ में चला गया दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी इसकी देखभाल की जा रही है दोस्तों और इसकी मरम्मत भी की गई है। ये चैनल गेट लगाया गया दोस्तों दोनों तरफ, और ये दीवारें देख सकते हो आप। दोस्तों ये अंदर एंट्री ले ली हमने और एक रूम टाइप में बना हुआ है दोस्तों, और ये साइन बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है कि यहाँ की चीज़ें उपस्थित चीज़ें जो है तो वो गवर्नमेंट की है, और यहाँ पे किसी चीज़ों से भी आप आए सिर्फ घूमने के हिसाब से आए, यहाँ किसी भी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें और नहीं तो आपको बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। और दोस्तों ये दूसरा गेट है इसके अंदर का, और इधर भी एक हॉल टाइप में बना हुआ है दोस्तों, और ये तीसरा गेट है दोस्तों, ये तीसरा गेट है, और यहाँ से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं दोस्तों। हम आ गए अंदर की साइड, और ये रास्ता काफी अच्छा बन चुका है, यहाँ फर्सी वर्सी लग चुकी है दोस्तों, और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का और कितना प्यारा मंजर है दोस्तों। तो ये है आदिल शाह फारूकी, वो है नादिल शाह फारूकी रहमतुल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है पुराने टाइम की मस्जिद है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हाल में है और यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं, बस ये शहर के जो लोग हैं वही आते हैं, बाहर से बहुत कम लोगों को ये जगह पता है, इसके कारण ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि ये बहुत जंगल में है दोस्तों। और ये जो मज़ारे आपको दिख रही है, ये मज़ारे पुराने टाइम के मज़ारे है। और दोस्तों आइए हम आपको आगे का भी बताते हैं। पूरा ये मज़ारे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ख़राब हाल में है पुराने टाइम का, बाहर कब्रिस्तान है, अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो लोग दरगाहें मौजूद है दोस्तों, ये इन्हीं के ख़ानदान के इन्हीं के सिलसिले से है, जो शहनशाह आदिल शाह नादिल शाह सरकार के सिलसिले के ख़ानदान के लोग हैं दोस्तों। और कुछ मज़ारे अंदर भी बनी हुई है जो हम आपको अभी बताते हैं वीडियो में, तो आइए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का भी गवर्नमेंट ने ताला लगाई हुई है और यहाँ का
ताला 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ताला लग जाता है। तो अब अंदर की जा रहा था, हम आपको कल कराएंगे। दोस्तों इधर गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे चौकीदार ने ताला लगा के चला गया दोस्तों। तो अंदर का शॉट हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम बाहर से आपको इसका नज़ारा कराते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और काफ़ी अच्छा यहाँ के लोकेशन है दोस्तों। ये मज़ारे हैं पुराने वक्त की, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हीं के ख़ानदान के और इन्हीं के सिलसिले के लोग हैं दोस्तों। ये देख सकते हो इधर भी मज़ारे है, इधर भी मज़ारे है। काफ़ी बड़ी जगह है ये, यहाँ पर 3 पायरियाँ बनी हुई है दोस्तों। और ये है नादिल शाह फारूकी दोस्तों। यहाँ पे हमने वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि यहाँ की इतने बड़े आदिल शाह फारूकी के यहाँ के जो सबसे मेन चीज़ हमने आपको बताना ज़रूरी समझा वो है ये मज़ार दोस्तों। इस पर फारसी के अंदर आयतें लिखी हुई है जिसको अभी तक हमारी नज़र में तो कोई नहीं पढ़ पाया है इसको। और ये मज़ार के बीच में देख सकते हो आप दोस्तों एक दरार भी है और ये पत्थर की मज़ार बनी हुई है दोस्तों। आप देख सकते हो इसको कि इसके ऊपर फारसी के अंदर कुछ आयतें लिखी हुई है दोस्तों। इसका पूरा ये जो ओटला है दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, लेकिन ये मज़ार अभी भी वैसी है जैसी पहले थी। बस इतना है कि इसके बीच में एक दरार पड़ चुकी है दोस्तों, इसको मसाले से किया गया है दोस्तों। और ये फारसी के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, जिसको हमारी नज़र में अभी तक तो कोई नहीं पढ़ पाया है। आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये नादिल शाह फारूकी और यहाँ पर भी अभी ताला लगा हुआ है दोस्तों। और ऊपर आप इसकी नक्काशी को देख सकते हो कि पुराने टाइम की ये नक्काशी है दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोपहर के वक्त में तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों। इसके दाहिनी तरफ एक मज़ार है दोस्तों, ये भी पत्थर की है दोस्तों, और इस पर भी नक्काशी की गई है क्या। और दोस्तों ये दीवार है और यहाँ से कमाने छोटी छोटी कमान बनी हुई है दोस्तों, ताकि इधर से बाहर का पूरा नजर आता है। ये पूरी यहाँ से लेकर इधर तक बाउंड्री वाल, जिधर से हम अंदर आए दोस्तों ये पूरी। और सामने देख सकते हो दोस्तों आप, इधर सामने की तरफ यहाँ पे भी बहुत सारी नज़ारे अभी मौजूद है, और कुछ नज़ारे बहुत अच्छी हालत में, कुछ नज़ारे खराब हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये नज़ारे हैं दोस्तों, कुछ पत्थर की बनी हुई है, कुछ मसाले पुराने मसाले और ईंटों की बनी हुई है दोस्तों। और अगर हम आपको यहाँ से बताएं तो ताप्ती नदी बिल्कुल यहाँ से करीबी दिखती है, जो कि इधर से दीवारें गिर चुकी है इसलिए इधर से नज़र आ रही है। हालांकि ये रास्ता इधर से नहीं है, रास्ता हमको उधर से जाना पड़ेगा दोस्तों। इधर की नज़ारे देखी, अब हम आपसे इधर लेके चलते हैं दोस्तों। अभी तो ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा पाए, हम आपको अंदर का नज़ारा भी बाद में बताएंगे दोस्तों। और ये मज़ार है दोस्तों, जो कि जमीन में धस चुकी है, और पत्थर की बनी हुई मज़ार जो मैंने आपको बताया था ये पूरी जमीन में धस चुकी है दोस्तों। और ये दरगाह के राइट साइड का अंदर से, इधर से हम जा रहे हैं और यहाँ से हमको सामने गेट नज़र आएगा जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे, देख सकते हो दोस्तों आप। और सामने जो गेट है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे, तो ये वो गेट है। और दोस्तों ये इनका पिछला हिस्सा है दोस्तों, पीछे की तरफ से भी नक्काशी आप देख सकते हो, कितनी प्यारी यहाँ की नक्काशी बनी हुई है। और हमारे चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें।
ताकि हम बुरहानपुर में जितनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं सबका सूट लेके हम आप तक पहुंचा सके। दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।